फोर्ब्स ने भारत की 100 सबसे अमीर लोगों की सूची जारी कर दी है। लगातार 12वें साल रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी सूची पर पहले स्थान पर हैं। अंबानी की कुल संपत्ति 51.4 बिलियन डॉलर यानी 5,140 करोड़ डॉलर है। पिछले साल के मुकाबले इसमें 40 लाख डॉलर का इजाफा हुआ है। लेकिन इस लिस्ट में जो चौंकाने वाला नाम दिख रहा है वो है अजीम प्रेम जी का। अजीम प्रेम जी पिछले साल तक भारत के दूसरे सबसे अमीर शख्स बने हुए थे, लेकिन इस साल वो दूसरे पायदान से खिसक कर 17वें नंबर पर आ गए हैं। अब अजीम जी के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो एकाएक अमीरों की लिस्ट में इतने पिछड़ गए? इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे बड़ी वजह सामने आ रही है वो है उनका दानवीर होना। अजीम प्रेम जी ने इसी साल मार्च में 52,750 करोड़ बाजार मूल्य के शेयर दान कर दिए थे। प्रेम जी ने जो रकम दान की वो विप्रो लिमिटेड की 34% हिस्सेदारी थी। इसके साथ प्रेम जी द्वारा परोपकार कार्य के लिए दान की गई कुल रकम 1,45,000 करोड़ रुपए यानी 21 अरब डॉलर हो गई, जो कि विप्रो लिमिटेड के आर्थिक स्वामित्व का 67% है। प्रेम जी के फाउंडेशन द्वारा एक बयान में भी कहा गया था कि अजीम प्रेम जी अपनी निजी संपत्तियों का अधिक से अधिक त्याग कर और धर्मार्थ कार्य के लिए उसे दान देकर परोपकार के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ाई है, जिसमें अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के परोपकार कार्यों को सहयोग मिलेगा। अजीम प्रेम जी जितनी बड़ी मात्रा में दान कर रहे हैं उसे वो देश के सबसे बड़े दानवीर तो बन गए हैं, लेकिन शायद इसी वजह से उनकी तिजोरी भी खाली हो रही है। अजीम प्रेम जी साल 2001 से ही जरूरतमंदों को दान करना शुरू कर दिया था। 2013 में अपने संकल्प में प्रेम जी ने कहा था कि उनका यह मानना है कि जिन लोगों के पास दौलत है उन्हें लाखों वंचित लोगों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश में योगदान करना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिकी बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स के मुताबिक साल 1999 से 2005 तक अजीम प्रेम जी भारत की सबसे धनी व्यक्ति रह चुके हैं। प्रेम जी ने सिर्फ 21 साल की उम्र में विप्रो लिमिटेड की शुरुआत की थी। शुरुआत में तो ये कंपनी साबुन तेल बेचा करती थी, लेकिन धीरे धीरे ये भारत की विशाल आईटी कंपनी बन गई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक विप्रो 1999 तक इतनी बड़ी हो चुकी थी कि सिर्फ अपने 22% शेयर बेचकर रिलायंस को खरीद सकती थी। आज विप्रो के दुनिया भर में 1,30,000 कर्मचारी हैं और इसकी 54 देशों में शाखाएं हैं। सामाजिक कार्यों में सराहनीय योगदान के लिए साल 2005 में भारत सरकार ने अजीम प्रेम जी को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। देश के सबसे अमीर लोगों में शुमार अजीम प्रेम जी हवाई जहाज के इकोनॉमी क्लास में सफर करना पसंद करते हैं। इसी साल 30 जुलाई को प्रेम जी ने विप्रो के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। अजीम के बाद उनके बेटे रिशद प्रेम जी कंपनी की कमान संभाल रहे हैं। अमर उजाला.com